प्रभुयेस क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को चुन चुन कर उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रखे हैं। संत मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 7वां वाक्य में यही कहते हैं, राग चलते यही बता दो कि स्वर्ग राज निकट आ गया है। हम भाई बहनों, आज भी हमारे जीवन में यीशु ने बहुत ऐसे लोगों को चुन चुन कर उसी स्वर्ग राज निकट आने का उसी साइन और सिंबल को लेके हमारे पास भेज रहे हैं। हमारे जीवन के निकटतम में है, मेरे हृदय के निकटतम में उसी स्वर्ग राज आ गया है। आज मेरा उसी स्वर्ग राज के उसी सुसमाचार के प्रति मेरा प्रतिक्रिया क्या है? इब्रानियों के नाम पत्र 3:15 में कहते हैं, यदि आज तुम उसी की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न करो, जैसे विद्रोह के समय में हुआ था। हम भाई बहनों, अगर हम उसी सुसमाचार का आवाज अनसुना करके आगे बढ़ते तो उन्हीं यहूदी लोगों के समान हो जाएंगे जो मिस्र देश के कनान की ओर सफर कर रहा था। उन लोगों ने वहां स्वदेश इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन लोगों ने अपना हृदय कठोर किया था। आज हमारा हृदय द्रव नरम बना कर गए ईश्वर की उसी आत्मा के आवाज को पहचानते हुए सुसमाचार को उचित महत्व देके उसी को सुनने के लिए अपने आप को काबिल बनाई। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सबको यीशु।